दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जो कच्चा और पका दोनों ही रूप में खाया जाता है। इस पौष्टिक और रसीले फल में कई विटामिन्स मिलते हैं। नियमित रूप से इसके खाने से शरीर में कभी भी विटामिन्स की कमी नहीं होती। पपीता ना सिर्फ सेहत के लिए बल्कि यह बालों और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बीमार व्यक्ति को दिए जाने फलों में पपीता भी शामिल है। दोस्तों, पपीता विटामिन ए और बी के गुणों से भरपूर होता है। पपीता फल के रूप में खाया जाता है, साथ ही इसका उपयोग जूस, जेली, जैम बनाने में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, इसे सलाद के रूप में भी खाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं पपीता के गुणों के बारे में कि वो किस तरह से हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, पपीता पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और पेट के भी रोग दूर होते हैं। इसमें विशेष रूप से एंजाइम होते हैं जो मांसाहारी आहार करने वालों को भी लाभकारी है, क्योंकि यह हाई कैलोरी मांसाहारी भोजन को भी पचाने में मदद करता है। नंबर 2, यह हृदय रोगियों और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। यह उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी कम करने में मदद करता है। नंबर 3, पपीते के सेवन से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, बालों का झड़ना, बवासीर, चर्म रोग, अनियमित मासिक धर्म आदि अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर 4, पपीता खाने से शरीर में हार्मोन्स बदलते हैं और तनाव, गुस्से के समय भी ये शांत करता है। नंबर 5, पपीता में बड़ी मात्रा में विटामिन ए होता है, इसलिए यह आंखों और त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आंखों की रोशनी तो अच्छी होती ही है, त्वचा भी स्वस्थ, स्वच्छ और चमकदार होती है। नंबर 6, महिलाओं, लड़कियों को होने वाले मासिक धर्म में पपीता खाने से बहुत आराम मिलता है। इसमें पैपिन नाम का एंजाइम होता है जो उस समय शरीर में होने वाले दर्द को कम करता है। नंबर 7, पपीते के सेवन से अर्थराइटिस के दर्द और कैंसर जैसी बीमारियों में भी राहत मिलती है। हालांकि इससे बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इन बीमारियों से होने वाले दर्द और अन्य समस्याओं में ये निजात दिलाता है। नंबर 8, पपीते के सेवन से न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि यह ऊर्जा को भी बढ़ाने में कारगर है। नंबर 9, जिन लोगों को बार बार सर्दी और खांसी होते रहती है, उनके लिए पपीते का नियमित सेवन काफ़ी लाभकारी होता है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होती है। नंबर 10, जिन लोगों को बहुत अधिक कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए पपीता किसी औषधि से कम नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज़ के फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं, उसी तरह पपीते खाने के भी फायदे के साथ नुकसान भी हैं। तो चलिए जानते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। नंबर 1, पपीता के कुछ दुष्प्रभाव हैं जिनसे संबंधित कुछ चेतावनियां भी हैं। जैसे स्तनपान करा रही माताओं को भी पपीते के सेवन डॉक्टर की परामर्श के बाद ही करना चाहिए। नंबर 2, पैपिन, पपीता में मौजूद एंजाइम एक शक्तिशाली एलर्जीन है, अतः पपीता के अत्यधिक सेवन से नाक में कंजेशन, घरघराहट, हाई फीवर, दमा जैसे कई बीमारियां हो सकती है। नंबर 3, पपीते का सेवन 1 साल के से कम उम्र वाले बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 4, बहुत अधिक पपीता खाने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको ब्लोटिंग, पेट दर्द, उबकन और कई परेशानियाँ हो सकती है। ये रहे पपीते के नुकसान। अब बात करते हैं पपीता खाने के तरीकों के बारे में। पपीता को सुबह नाश्ते के बाद और दोपहर में लंच से पहले खाना चाहिए। जो लोग दुबले पतले हैं, उन्हें पपीता लंच के बाद ही खाना चाहिए। दरअसल खाने के बाद पपीता खाने से वजन बढ़ता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।